हम यहाँ पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा के साथ भी जुड़ रहे हैं। नीता, क्या कुछ जानकारी इस वक्त हासिल हो रही है इस हमले को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है और उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि जो अब ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा ताकि उन नक्सलियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने ये आईडी ब्लास्ट किया है, उसमें सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो स्टेट पुलिस की पूरी मदद करेंगी। ये जो हमला हुआ है, ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, ये जो एसआरजी फोर्सेज हैं, स्पेशल रिजर्व ग्रुप की जो फोर्सेज हैं, ये एक स्टेट यूनिट होता है एंटी नक्सल ऑपरेशन कवर करने के लिए। ये लोग, इनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि नक्सल्स का जो प्रेजेंस है उस एरिया में है, तो वो वहां पर ऑपरेशन कंडक्ट करने गए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वहां पे ऑपरेशन उनका सफल रहा या नहीं रहा, लेकिन ये टुकड़ी, ये पेट्रोलिंग पार्टी जो है, जब वापस हेडक्वार्टर्स आ रही थी तब उस सड़क पर अरनपुर के आसपास ये सड़क पर हमला हुआ, आईडी का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 10 जो हैं वो जवान हैं, स्पेशल रिजर्व गार्ड जो हैं वो ये जवान थे जो मारे गए हैं। साथ में ये भी अब सामने आ रहा है कि पिछले हफ्ते ही वहां के एक जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनके कॉन्वॉय पर भी हमला हुआ था। दिलचस्प बात यहां पर ये भी आदिति कि नक्सल्स ने कुछ एक हफ्ता के पहले एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने धमकी दी थी कि वो इस तरह का इंसिडेंट जो है वो दंतेवाड़ा के आसपास करेंगे और ये अटैक जो है ठीक एक हफ्ता 10 दिन के आसपास जो है ये जो अटैक है हुआ है। ये जो एरिया है, अगर मैं आपको बता सकूँ, ये ट्राई जंक्शन एरिया है, यानी ये तीन स्टेट्स, तीन राज्यों से ये एरिया जो है वो क्रिस क्रॉस करता हुआ गुजरता है। यही वजह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं तो उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि नक्सली जो होते हैं वो हमला करके इधर उधर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कामयाब होती हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री बार बार जोर देते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस में इंटर स्टेट कोऑपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह के ऑपरेशंस को सफल बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद भूपेश बघेल से बात की है और उन्हें अश्योर किया है। दूसरी तरफ हमने ये भी सुना, आईजी जो है बस्तर के सुंदरराज, उनका ये कहना था कि जो मेडिकल स्टाफ है वो भी मौका वारदात पर पहुँच रहा है, जो लोग मारे गए हैं या जो लोग हताहत हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, और साथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी उस एरिया में पहुंच रही हैं, टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है ताकि एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ नक्सल्स जो है कहां पर वो इस हमले के बाद जाने में कामयाब हुए हैं या कहीं छुपे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है फोर्सेज इकट्ठा कर रही हैं।